नमस्कार, आज हम बात करेंगे IVF फेलियर के विषय में। जब भी कोई कपल IVF करवाता है तो वो ऑलरेडी मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड और परेशान होता है, और यदि रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो वो बहुत हताश और निराश हो जाते हैं। तो आज मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी कि IVF की प्रक्रिया क्या है, कभी अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो हमें क्या करना चाहिए और हम कैसे इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। IVF की प्रक्रिया या टेस्ट ट्यूब बेबी में हम एक नए जीवन का निर्माण करने की कोशिश करते हैं। सिंपल शब्दों में वो प्रक्रिया जो महिला के शरीर के अंदर हो रही है उसे हम बाहर लैब में करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम अंडे और शुक्राणु को मिला के भ्रूण बनाते हैं और ये भ्रूण हम महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित करते हैं। अब अगर रिजल्ट नेगेटिव है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें अपने डॉक्टर जो कि एक IVF स्पेशलिस्ट हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए, उनसे ये डिस्कस करना चाहिए कि रिज़ल्ट नेगेटिव क्यों आया और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि अगली बार हमें सफलता मिले। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि IVF का सक्सेस रेट 100% कहीं भी नहीं है। अगर 10 कपल IVF करवाते हैं तो उसमें से कई का रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है, मगर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनका रिज़ल्ट नेगेटिव आए। अगर हम कारणों की बात करते हैं तो पहला एंडोमेट्रियम यानी बच्चेदानी की लाइनिंग जहाँ पे भ्रूण जाके चिपकता है, अगर उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है तो सक्सेस नहीं मिल सकता। दूसरी बात करते हैं एम्ब्रियो की। अगर एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, पर एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो यानी भ्रूण जो कि अंडे और शुक्राणु से मिलके बनता है, अगर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हमें शुरुआत से देखना चाहिए कि महिला को कितने इंजेक्शन लगे, कितनी डोज में लगे, उनकी गुणवत्ता कैसी थी, कितने अंडे मिले, कितने अंडे फर्टिलाइज हुए और कितने एम्ब्रियो बने और एम्ब्रियो की क्वालिटी कैसी थी। ऐसा देखा गया है कि 70% एम्ब्रियो जो कि अच्छे दिखते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, वो जेनेटिकली डिफेक्टिव हो सकते हैं। और तीसरा कारण 20-30% केसेस में ऐसा देखा गया है कि सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी सफलता नहीं मिलती है, जिसको हम माइनर लक फैक्टर मान सकते हैं। अब एक स्पेसिफिक सब ग्रुप ऑफ पेशेंट वो होता है जिसमें IVF एक से ज़्यादा बार फेल होता है, यानी कि वो बार बार IVF कराते हैं फिर भी सफलता नहीं मिलती है, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर कारणों की बात करें तो पहला एंडोमेट्रियम जो कि बच्चेदानी की लाइनिंग है, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन है, कोई अडहेशन है या हार्मोनल बैलेंस या इम्बैलेंस की वजह से वो ऐसी हो गई है कि उसमें भ्रूण चिपक नहीं पा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमारे पास कुछ ऐसे मेडिसिन है जैसे एस्पिरिन या सिल्डेनाफिल, हम वो देके लाइनिंग का ब्लड फ्लो बढ़ा सकते हैं जिससे सक्सेस बढ़े। दूसरी चीज़ है हिस्टोस्कोपी द्वारा हम एडहेशंस हटा सकते हैं या एंडोमेट्रियल स्क्रैचिंग कर सकते हैं जिससे अगले साइकिल में हमें सफलता मिले। तीसरी चीज़ है एरा टेस्ट, एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे, ये टेस्ट करके हम ये पता कर सकते हैं कि मैक्सिमम चांसेस प्रेगनेंसी के कब हैं, यानी भ्रूण कब डालना है। तो इस टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से हम भ्रूण उसी टाइम पे प्रत्यारोपित करते हैं जब प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम हो, या इन्फेक्शंस जैसे इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है, TB, तो हमें TB का इलाज करना चाहिए। यदि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एंडोमेट्रियम एम्ब्रियो यानी भ्रूण को नहीं ले पा रही है तो हमें इस साइकिल में सारे भ्रूण फ्रीज करके नेक्स्ट साइकिल में ट्रांसफ़र करना चाहिए जिससे हमें सक्सेस मिल सकता है। अब हम बात करते हैं एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो क्वालिटी अगर अच्छी नहीं मिल रही है और हम बार बार IVF करवा रहे हैं तो हम डोनर एग या डोनर शुक्राणु ले सकते हैं। तीसरी कारण की बात करें तो हम कुछ सिस्टमिक डिसऑर्डर्स ले सकते हैं जिसमें कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो महिला के शरीर के अंदर भ्रूण को चिपकने नहीं देती हैं। इसके लिए हमारे पास कई सारे टेस्ट हैं जो हम टेस्ट कर सकते हैं, और हमारे पास कई इंजेक्शंस और दवाइयाँ हैं जिससे हम ये कंट्रोल कर सकते हैं। या यदि किसी महिला में हाइड्रोसेल्फिंग्स है उसको हम लैप्रोस्कोपी से निकाल सकते हैं, या किसी में सीवियर ग्रेड एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमायोसिस है तो हमारे पास कई ऐसे इंजेक्शंस अवेलेबल हैं जो देके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक लास्ट ऑप्शन रहता है सरोगेसी। अगर सब कुछ ठीक करने के बाद भी बार बार IVF फेल हो रहा है तो हम एक सरोगेट मदर का सहारा ले सकते हैं जिसमें हम जो भ्रूण बना है उसको एक दूसरी महिला के गर्भाशय में जो कि हेल्दी गर्भाशय है उसमें प्रत्यारोपित करते हैं और 9 महीने बाद स्वस्थ बच्चा माता पिता को वापस कर देते हैं। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है।
और ये जानना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी IVF साइकिल अगर फेल होती है तो वो डॉक्टर के लिए फेलियर नहीं है, क्योंकि हर एक डॉक्टर को हर IVF साइकिल से कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे वो अगला साइकिल प्लान कर सकता है या अगले साइकिल का सक्सेस रेट बढ़ा सकता है। इसलिए कपल्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो अपना मनोबल बनाए रखें, एक अच्छे IVF सेंटर का चुनाव करें जहाँ पे अच्छे IVF कंसल्टेंट्स हों, ऐसे IVF लैब का चुनाव करें जहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिस्ट हों जो कि स्किल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट हों, अच्छी लैब हो और जहाँ पे मीडिया अच्छा इस्तेमाल किया जाता हो। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि अगर किसी कपल का एक IVF फेल हुआ है या एक से ज़्यादा बार IVF फेल होता है तो वो सब कपल भी संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त कर सकते हैं।